नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल पे एक बार फिर से। आज तीनों शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है और तीसरी शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के साथ हम फिर आपके साथ मौजूद हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस तीसरे शिफ्ट के एनालिसिस को। इसमें जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस समय क्वेश्चंस को, वो सारे क्वेश्चंस हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अवेलेबल हैं वो जीएस जीके से ही अवेलेबल हैं। मैथ के क्वेश्चन हमको प्रोवाइड नहीं हो पाए हैं। जैसे ही हमको मैथ्स के क्वेश्चंस मिलते हैं पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ और उसको सॉल्व करने का जो शॉर्टेस्ट ट्रिक है वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन था बुक राइटर से, दोनों पिछले जो दोनों शिफ्ट के एग्जाम्स थे उसमें हमको बुक या बुक राइटर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं मिला था। तीसरे शिफ्ट में हमको क्वेश्चन दिखा कि बुक के राइटर से एक क्वेश्चन, जो बुक है वो है गीत गोविंद और उसके राइटर हैं वो हैं जयदेव। उसके बाद से सिनोनिम से एक क्वेश्चन है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का जो सिनोनिम होता है वो होता है ह्यूज। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है G20 समिट 2018 ये कहाँ हुआ था, तो ये अर्जेंटीना में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीएम से रिलेटेड, जिसकी वीडियो हम लोगों ने अभी दोपहर में रिलीज करी उसको आप लोग देखिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में सीएम से या फिर गवर्नर से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम के बारे में इस पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में, जो कि है पेमा खांडू। इसके बाद आईसीसी के हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन था कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो दुबई इसका सही जवाब होगा कि दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, वो है फ्रांस। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोमनाथ टेंपल पर अटैक किसने किया था, तो महमूद गजनी ने सोमनाथ टेंपल पर अटैक किया था। सोमनाथ टेंपल काफ़ी फेमस है, वहाँ पे उसने अटैक किया तो उस मंदिर को कुछ नुकसान हुआ नहीं था खास करके, और वो मंदिर वैसा का वैसा ही रह गया था। अगला क्वेश्चन जो था वो फेसबुक के फाउंडर से था कि फेसबुक का फाउंडर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग इसका सही जवाब होगा कि मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो फेसबुक के फाउंडर हैं। अब हमारे पास इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मिले हुए हैं जो कि इस तरह से हैं। स्पेलिंग करेक्शन से एक क्वेश्चन था कि कैलेंडर का सही स्पेलिंग क्या होगा, तो हमने सही स्पेलिंग जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया, CALENDAR जो होगा इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो चेयरमैन ऑफ रेलवे से है कि चेयरमैन कौन है रेलवे का, तो विनोद कुमार यादव इसका सही जवाब होगा कि विनोद कुमार यादव जो हैं रेलवेज के चेयरमैन हैं, वो नए अपॉइंटेड चेयरमैन हैं रेलवे के। विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो विनर है मेन सिंगल में वो कौन है, तो नोवाक जोकोविच इसका सही जवाब होगा। नोवाक जोकोविच जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के मेंस सिंगल्स के विनर हैं। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है जो अगले दिन 5 तारीख को किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है या कभी भी पूछा जा सकता है, फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। तो फ्रेंच ओपन में जितने भी विनर्स हैं या फिर जो सिंगल्स और डबल्स के बारे में है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फॉरेन कंट्रीज़ के कैपिटल से हमको क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कजाकिस्तान के कैपिटल के बारे में हमसे पूछा गया था कि कजाकिस्तान की राजधानी कौन है, तो नूर सुल्तान इसका सही जवाब होगा कि कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो नूर सुल्तान है। इसके बाद फर्स्ट लोकपाल, पहला लोकपाल जो भारत में नियुक्त हुआ वो कौन है, वो पिनाकी चंद घोष इसका सही जवाब होगा कि पिनाकी चंद घोष जो हैं वो पहले लोकपाल हैं जो भारत में नियुक्त किए गए। बात की जाए अगर मैथमेटिक्स की तो हमको एक्चुअल क्वेश्चन तो प्रोवाइड नहीं हुए, लेकिन ऐसा सुनने में मिला है कि एलजेब्रा से 2 या 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और CISI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स में जो लेवल है वो मॉडरेट है, ये है कि लेंदी है क्वेश्चंस, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आ रहे, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, बाकी उसमें कुछ हार्ड या टफ कहने जैसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही हमको मैथ्स के क्वेश्चन मिलते हैं हम आपके सामने उसकी भी एनालिसिस को लेकर के आएंगे, और अभी के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद हमको जो जानने के लिए मिला कि वर्क टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था मैथमेटिक्स में, एनोलॉजी जो रीजनिंग का पोर्शन है उससे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन और पजल से भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमको मिले हैं। तो जैसे जैसे हमको क्वेश्चन प्रोवाइड होते जाएंगे सारी एनालिसिस के साथ हम आपके सामने आते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप अगर सेटिस्फाई हो हमारे एनालिसिस से, तो कृपया इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करिए, दूसरों को देखने के लिए बोलिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि
पहली जल्द से जल्द एनालिसिस लाने का कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी हम लोग बना करके अलग तरीके से सारे एग्जाम की तैयारी भी कराने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट करिए। थैंक यू।